हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली के करेंट अफेयर्स और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 7 फरवरी और आज हम 7 फरवरी से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल स्टूडेंट अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टूडेंट अफेयर्स, जहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी डेली के करंट अफेयर्स के साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सही समय तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, भारत का पहला लिथियम प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो इसका सही जवाब है हाल ही में गुजरात में भारत का पहला लिथियम प्लांट स्थापित किया जाता है। और बात करो अगर लिथियम प्लांट की, तो इस प्लांट की स्थापना मणिकरण पावर लिमिटेड के द्वारा 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के थ्रू होती है। और बात करो इस रिफाइनरी की, तो ये रिफाइनरी बैटरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करेगी जिसके लिए ये लिथियम का यूज़ करेगी। और इसके साथ ही साथ गुजरात को लिथियम आयन बैटरी के लिए एक सेंटर बनाया जाएगा। और हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्नाटक के मंडला जिले में करीब 1600 टन लिथियम जमा होने के बारे में लोकसभा को एक लिखित जवाब में पुष्टि दी है, यानी कि एक लिखित विवरण दिया गया है। वहीं मैं बात करूं गुजरात के सीएम की, तो गुजरात के सीएम का नाम विजयाभाई आर रूपानी और गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। बात कर्नाटक की करूँ तो कर्नाटक के सीएम का नाम बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर का नाम वाजू भाई वाला है। बात मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की करूं तो यहां के सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर का नाम श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। वहीं बात झारखंड की करूं तो झारखंड के सीएम का नाम हेमंत सोरेन और गवर्नर का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। हमारा अगला सवाल, देश का पहला वेटलैंड जिसे पक्षी अभयारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कलीवली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा हाल ही में की जाती है। और ये घोषणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा की जाती है, जिसके तहत पुलिकट झील के बाद कालीवली वेटलैंड्स में दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील होगी और ये लगभग 670 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला होगा। हमारा अगला सवाल, वह देश जहां हाल ही में लगभग 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के उथले प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है? तो इसका सही जवाब है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में करीब 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज होती है। और बात करूँ इसके खोज की, तो इसकी खोज फरवरी 2021 को होती है। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ नवंबर 2019 में यूएई ने करीब 7 बिलियन बैरल तेल की खोज की घोषणा की थी। इसके बाद यूएई ने देश के कच्चे तेल के भंडार को करीब 105 बिलियन बैरल तक बढ़ा दिया है। और इसी के साथ यूएई दुनिया का ऐसा 6वां देश हो जाता है जो सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार का शहर बन गया है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में जारी डेमोक्रेटिक इंडेक्स यानी कि 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से प्लेस पर है? तो इसका सही जवाब है साल 2020 में डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 53 पोजीशन पर है। वहीं मैं बात करूँ इसके पॉइंट्स की, तो साल 2019 में ये 6.9 पे था और साल 2020 में इसकी पॉइंट कम होकर 6.61 हो गई है। सो गाइज, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कल की वीडियो में कराया है और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों में फिर से अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही जवाब है हाल ही में अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि BFI के चुनाव में फिर से अध्यक्ष चुना गया है। वही मैं बात करूं अजय सिंह की, तो अजय सिंह ने आशीष सिलार को 37-27 मतों से हराकर BFI के चुनावों में फिर से अध्यक्ष पद चुने गए हैं। और बात करें अगर BFI के चुनाव की, तो इसे सितंबर में कराया जाना था लेकिन COVID-19 के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था और हाल ही में इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस कंपनी ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है फेसबुक इंक कंपनी ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है और इसके साथ ही साथ ये फेसबुक से जुड़े रहेंगे। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में जिसने गोवर्धन यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है उस मंत्रालय का नाम जल शक्ति मंत्रालय है। और बात करें अगर गोवर्धन योजना की, तो इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो मवेशियों और जैव कचरे का प्रबंधन करना है, यानी कि जो जानवर हैं और उनके बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं उनका मैनेजमेंट करना।
और इसके साथ ही साथ किसानों की आय बढ़ाना और इस गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन के तहत लॉन्च किया जाता है। वहीं मैं बात करूं जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर की, तो इसके मिनिस्टर गजेंद्र सिंह हैं। वहीं हम बात करें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, तो इसके मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। और बात करूँ खेल मंत्रालय की, यानी कि स्पोर्ट मिनिस्टर की, तो इसके मिनिस्टर का नाम किरण रिजिजू है। वहीं रेल मंत्रालय के मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं। हमारा अगला सवाल, कोल इंडिया ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और परिचालन सुधार के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है, हाल ही में कोल इंडिया ने कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के तहत इसकी एफिशिएंसी पर भी काम किया जाएगा। और बात करें अगर इस समझौते की, तो इस समझौते के तहत EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज कोल इंडिया को करीब 460 करोड़ रुपए की ऊर्जा यानी कि यूनिट ऊर्जा की सालाना खपत में 10 से 15% तक कमी लाने का मदद करेगा। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो इस समझौते के बाद कोल इंडिया को ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा अगला सवाल, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और किसने नोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है, यूनिसेफ ने ये समझौता किया है। यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने हाल ही में नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका एक्सपोर्ट की टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और बात करो इस समझौते की, तो इस समझौते के तहत करीब 1.1 बिलियन खुराक के टीकों पर लगभग 100 देशों की पहुंच होगी। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको PDF की लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टूडेंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सकें। और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज़।